नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील है और ये मेरी वाइफ मनीषा है। हमने यहाँ पे इसी साल के स्टार्टिंग में हमने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। इससे पहले हम एम्स गए थे, हमने हिसार में ट्रीटमेंट लिया था, पीजीआई चंडीगढ़ भी, वहाँ पर इतने अच्छे फीडबैक नहीं आए थे हमें। इसके बारे में बंसल हेल्थ केयर के बारे में हमारे भाभी जी यहाँ पे रहते हैं, भैया भाभी, उनसे पता चला। और जैसे उन्हें हमारे ट्रीटमेंट के बारे में पता चला कि हम इतना मतलब एक्सपेंस और एज वेल एज टाइम को स्पेंड कर चुके हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम फटाफट से सोनीपत आ जाएँ। हम हिसार मंडी आदमपुर से फटाफट से लगभग अक्टूबर लास्ट में हम यहाँ सोनीपत आए और मैम से हमारा डिस्कशन हुआ। मैम ने हमें हर लेवल पे सेटिस्फाइड किया। ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल था जहाँ पे हमें बताया गया भी एक्चुअल कंसर्न्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन कैसे होगा। हम उस ट्रीटमेंट के जो क्राइटेरियाज थे उसे सेटिस्फाइड हुए और आलमोस्ट हमने नेक्स्ट डे से अपना जो ट्रीटमेंट था यहाँ पे शुरू कर दिया। जो यहाँ का स्टाफ है वो इतना अच्छा है कि हमें कभी यूँ नहीं लगा कि हम दूसरी जगह आए हुए हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर, हालांकि सोनीपत एक लोकल हाइट्स है यहाँ, मगर यहाँ पे उनकी लैंग्वेज से या उनके ट्रीट बिहेवियर से कहीं यूँ नहीं लग रहा था कि वो एक ऐसा एक वेल्टर्स दे रहे हैं जिससे मतलब हमें यूँ इरीटेशन महसूस हो। स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया। मैम ने वेरी फर्स्ट डे लेवल से हर तरह का टेस्ट किया, हर तरह की जांच की, क्योंकि हम हिसार से आते हैं। उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट भी अश्योर की कि हम किस तरह से आएंगे। हमारा टाइम टेबल जो था बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने हमें हमारे अकॉर्डिंगली टाइम टेबल दिया और हमने उसको फॉलो किया। और ऑलमोस्ट फेब के स्टार्टिंग में जो IVF का था रियल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने मतलब जो था एक्चुअल जो कैश कंसर्न था वो भी इतना सच नहीं था, क्योंकि हमें मतलब हमारे कंफर्ट के हिसाब से हमने पेमेंट की थी, तो हमें एक्चुअल जो बोझ था पैसे का वो भी नहीं पड़ा। फिर हमारा जो एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसमें मैम ने पूरा मतलब जो प्रोसीजर था जो न्यू स्क्वायर है वहाँ पे इन्होंने शुरू किया, जहाँ पे हमने हर तरह का मतलब ट्रीटमेंट इनसे लिया। और फिर हम आगे प्रोसीजर वाइज चलते रहे। मैम ने मतलब इंटरवल्स के दौरान हमें बुलाते रहे और हमें मतलब जो हमारे टाइम कम्फर्ट के हिसाब से हमें वो टाइम देते रहे। फिर हम मतलब इस प्रोसीजर पर पढ़ते रहे और कल शाम को मतलब हमारे 11:30 बजे हमें बेटी मिली है। और जो हमारा मेजर कंसर्न था जो बेसिकली IVF में होता है सिजेरियन, मतलब सबसे अच्छा फीडबैक यही था कि हमें मतलब बिल्कुल अश्योर किया गया कि वो एक लास्ट होगा। आज की डेट में जो जनरली हमने फील किया है कि डॉक्टर्स सिजेरियन को प्रेफर करते हैं कि भाई किसी तरीके से कैश अमाउंट मतलब एक बैकअप, वो जो कि पेशेंट का क्राइटेरिया होता है जो उससे बचना चाहता है, पर हमने ये चीज़ महसूस की है। हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी मतलब जनरली वो सिर्फ ऑपरेशन को प्रेफर करते हैं, मतलब मैम ने लास्ट सिचुएशन तक यही वो किया कि शायद ऑपरेशन ना ही करना पड़े और वो अपनी बात पर कायम भी रहे। देखो डॉक्टर भगवान होता है, उसे पता होता है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, मगर इन्होंने यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी समझा, जो हमने वेरी फर्स्ट डे भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि मैं प्राइवेट टीचर हूँ। उन्होंने कहीं उस चीज़ को अश्योर किया और मुझे ना पता लगते हुए भी उन्होंने हर वो जो कैश उनके बेनिफिट्स हो सकते थे उसको रिमूव किया और एक जनरल ऑपरेशन उन्होंने जो जनरल जो था सिजेरियन को अवॉइड करते हुए जनरल रूटीन वो ट्रीटमेंट दिया और हमें कल ही बेटी मिली है। मैं मैम को, डॉक्टर साक्षी बंसल को और उनकी टीम को बहुत विशेष देना चाहता हूँ कि ये लोग मतलब बने रहे, क्योंकि इन्होंने जो हमें खुशी दी है हम महसूस कर सकते हैं। और ये एक इंस्पायरेशन भी है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, क्योंकि अब हमें पता है कि बेटियों को क्या बनाना है। ठीक है, शी कैन बी सेम लाइक साक्षी बंसल, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी है, इतना कोऑपरेट किया उन्होंने। वो हमें आज मतलब कहीं से ये नहीं हो रहा कि हाई बेटी होगी तो हम क्या करेंगे। हमारे पास एक आइडियल सेट है कि हमें कैसे अपने बच्चे को कामयाब करना है और उसे कैसा बिहेवियर देना है, कैसा ट्रीटमेंट देना है। जनरली डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत जरूरी होता है, मगर यहाँ पे हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। वेरी फर्स्ट डे से हमारा लगभग 1 साल जा चुका है, पर हमें कहीं भी आके यूँ नहीं लग रहा कि हम हिसार आदमपुर से मतलब 200 किलोमीटर डिस्टेंस लेकर यहाँ पर आए। हमें यहाँ पर अपने भैया भाभी की रहना पड़ा, सारे फैक्चुअल्स को शो ऑफ करना पड़ा, पर हमें कहीं भी यूँ नहीं लग रहा कि हमने कुछ खोया। हमें लगता है हमने एक नई टीम मिली है जो हमें ना हमारे होते हुए भी हमारी है, हम किसी भी फेर करके यूँ कर सकते हैं। अब हमें कोई भी वो हम आगे भी अपने जो डीएनडीएस हैं उनको यहाँ प्रेफर करेंगे। और सोनीपत अपने आप में एक बड़ी जगह है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी लोकेशन रही है हमारी, एक बड़ा वरदान रहा है कि हम यहाँ पर आए। थैंक यू सर। हम बेसिकली हिसार आदमपुर से हैं और हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर सोनीपत आएंगे, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी एम्स में, PGI चंडीगढ़ और वहाँ पे भी एक दो IVF सेंटर से वहाँ पे जा चुके हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भी हम यहाँ आएंगे, और अब लग रहा है कि अगर यहाँ नहीं आते ना तो शायद इस साल भी हमें ये गुड़िया नहीं मिलती, मतलब बिल्कुल। हाँ, मतलब हम जब हमें भाभी जी ने ऑफर किया था लास्ट ईयर कि भाई हम सोनीपत जाएंगे, तो मैं मनीषा ये सोच रही थी नहीं यार वहाँ जाएंगे, तीसरी जगह पर है ना, ऐसी जाटों का एरिया है, कैसे लोग, क्यों नहीं। ठीक है,
पर मतलब जब वेरी फर्स्ट डे मैंने आपसे मिले थे ना, तो हम वही सेटिस्फाई थे, ठीक है। उस टाइम पॉकेट भी टाइट थी, पॉकेट भी ठीक है, ठीक है। होता है मैम, मतलब एक्चुअल आप यू नो प्राइवेट टीचर्स के लिए सारा वो, और एक साल वाइफ को अलग छोड़ना मतलब पूरा हो जाता है, पर ना मतलब लकीली मतलब भगवान आपको बनाए रखे सच में, ठीक है। बहुत अच्छा आपने वो किया, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जैसा मतलब चाहते बिल्कुल।